इस वीडियो का शीर्षक है, आप देख सकते हैं सीआईबी का एग्जामिनेशन का अब 1 महीना बचा रह गया है। तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी प्लान होनी चाहिए ताकि हम इस सीआईबी के एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ये जो मेरा 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, दोस्तों इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए 1 महीना में। कि यानी यदि आप डेली का डेली कम समय दें तो आपका एफर्ट मैक्सिमाइज हो, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अभी तक 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे हु हैव कम्प्लीटेड देयर सिलेबस, ठीक है, जिन्होंने अपना सिलेबस कम्प्लीट कर लिया, ठीक है। और दोस्तों दूसरे स्टूडेंट होंगे कि नहीं, जिन्होंने अपना सिलेबस अभी तक कम्प्लीटेड नहीं किया है, ठीक है, तो जिसका इनकम्प्लीट सिलेबस है, जो अभी सिलेबस को कम्प्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसका क्या मतलब है, मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि आप उस टॉपिक, आपको उस टॉपिक पर कमांड है, यानी कि आपको उस टॉपिक पर यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि आपने मेरे मॉक टेस्ट, जो मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, आप उसमें अपीयर हुए हैं और सभी के सभी में 20+ मार्क्स स्कोर किए हैं। यदि आप सभी के सभी में 20+ मार्क्स स्कोर किए हैं तब आप कह सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। और यदि उसे कम स्कोर किए हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको उस टॉपिक पे कमांड नहीं है, ठीक है। दोस्तों, मैंने अपना मॉक टेस्ट इस तरह डिज़ाइन किया था कि ताकि 1 महीना हमारे पास रहे, 1 मंथ हमारे पास प्रॉपर रहे फुल रिविजन के लिए, यानी कि केवल और केवल MCQ प्रैक्टिस और MCQ और केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, आप आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उनके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि है हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट। दोस्तों, ये हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, आप शेड्यूल को देखिए, ये हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने मेरे हर एक मॉक टेस्ट में अपीयर हुआ, जो मेरा BFM का फ्री मॉक टेस्ट था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली कंडक्ट करता था दोस्तों, तो आपने उसमें अपीयर हुआ। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का CIB मेड सिंपल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो दोस्तों, आपने एक एक मॉक टेस्ट में अपीयर हुए, आप अपने मिस्टेक को देखे, तो अब आपका समय आ गया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का। तो देखिए, अगले वीक से फुल लेंथ मॉक टेस्ट में शुरुआत करने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर AVM का 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। देखिए, AVM का पहला मॉक टेस्ट होगा 28 तारीख को, कट ऑफ डेट है 30 मई, यानी आप इसके बाद भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ डेट। लेकिन आपको यदि प्रॉपर एनालिसिस चाहिए अपने मॉक टेस्ट का, प्रॉपर फायदा उठाना है, तो ट्राई कीजिए कि 2 दिन में ये दे दें। उसी तरह दोस्तों, BFM का भी 28 से 30 रखा गया है। फिर देखिए, 4 से 6 जून आपका AVM का फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 होगा, और 4 से लेकर 6 जून तक आपका BFM का फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 होगा। फिर 11 से लेकर 13 जून तक आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3, यानी कि जो भी आपका वीकेंड है उसमें मैं मॉक टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने डाला हूँ। दोस्तों, ये जो 4 मॉक टेस्ट होंगे, इसमें सब के सब क्वेश्चन PYQs होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ताकि देखिए, अब समय ये आ गया है कि आप अपने आप प्रिपरेशन को एग्जामिनेशन से ओरिएंट करें। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 4-5 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसकी एक झलक आपको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है, इस मॉक टेस्ट में बस अपीयर होना है। आप देखेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं इसमें दूंगा दोस्तों, वो पूरा का पूरा PYQs ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको, ये रणनीति मैं उन लोगों के लिए बताया दोस्तों, कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट हो गया है मतलब मैंने समझा दिया कि आपको उस टॉपिक पे कमांड है, आपने मेरे मॉक टेस्ट में 20+ मार्क्स स्कोर किए हैं, और दोस्तों आपका ये जो 1 मंथ है उसमें आपको क्या क्या करना है, केवल मॉक टेस्ट देना है, अपने वीकनेस को देखने हैं, हो सके तो उस यूनिट वाइज मॉक टेस्ट को दोबारा दीजिए, ठीक है, ताकि देखिए कि कहाँ पे अभी भी आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और केस स्टडीज को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो ये था रणनीति उनके लिए। दोस्तों, इसके अलावा जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनको भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। दोस्तों, सिलेबस यदि इनकम्प्लीट है तो बिल्कुल ही कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए कि 15 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने का, ताकि लास्ट 15 डेज में आप केवल जो काम ये लोग कंप्लीटेड सिलेबस वाला अभी कर रहे हैं वो आप कर पाएँ। तो दोस्तों, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ये भी मैं बताता हूँ। तो सिलेबस कंप्लीट होने के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए थ्योरी का, ठीक है। शॉर्ट नोट थ्योरी के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, आप पहले, सबसे पहले देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव शॉर्ट नोट्स ऑफ थ्योरी,
तो आपके पास थ्योरी क्लियर करने के लिए एकदम शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। उसके बाद थ्योरी के बाद दोस्तों बात आती है एमसीक्यूज की, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपके पास सफिशेंट मटेरियल होना चाहिए, एमसीक्यूज बोले या केस स्टडीज बोले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है कि ये गेस करने की आप कहाँ पे लेवल है, आपने जो सीखा है वो कितना सीखा है। तो दोस्तों बात आती है मॉक टेस्ट की, ठीक है, क्योंकि यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है हमारा, ठीक है। तो यदि आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे हर एक यूनिट के लिए, पहले आपने थ्योरी, फिर से मॉक टेस्ट में जो आपकी गलती हुई उसको आप फिर से थ्योरी पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट में आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि हाँ ये टॉपिक में मेरी मिस्टेक है, तो फिर से उस कंसर्न थ्योरी को पढ़ेंगे। तो ये साइकिल को रिपीट करना है दोस्तों। थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यूज केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर दोबारा थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यूज केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। आपको ये साइकिल को रिपीट करना है। अब आपको जो भी सोर्स है आपके पास, शॉर्ट नोट्स आपने बना के रखी है या आपके पास एमसीक्यूज या केस स्टडीज है, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। आप दोस्तों मेरे चैनल का भी हेल्प ले सकते हैं, मैंने भी आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज अगर बना के रखी है, ठीक है। आपको मैं एमसीक्यूज का एक सैंपल दिखाता हूँ। देखिए ये जैसे हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट का पीडीएफ है, तो दोस्तों इसमें आप केवल क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, इसका अगले पेज में आंसर है, ये क्वेश्चन है इसका अगले पेज में आंसर है। इस प्रकार से हर एक यूनिट में मैंने 60-70 क्वेश्चन डाले हैं और कुल मिलाकर 30 यूनिट है, तो कुल मिलाकर 2000 एमसीक्यूज आपके सामने है दोस्तों। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे ये केस स्टडी है, केस स्टडी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी तरह से जहाँ एमसीक्यूज वाले पीडीएफ में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है, मैंने केस स्टडी भी लिया है। तो दोस्तों आप इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से प्रिपेयर्ड है, ये मटेरियल पहले से प्रिपेयर्ड है। और दोस्तों थ्योरेटिकल वीडियोस, थ्योरेटिकल पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप ये थ्योरी और एमसीक्यूज और केस स्टडी इसका हेल्प ले सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों उसका प्लान मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये देखिए ये हमारा दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। इसमें आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज केस स्टडीज, ये सभी के सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊँगा दोस्तों। इसके अलावा बात आती है मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे। तो दोस्तों मॉक टेस्ट में अपियर होने के लिए मैं आप लोगों के साथ प्लान शेयर करता हूँ। देखिए ये हमारा मॉक टेस्ट में अपियर होने के लिए प्लान है, दो प्लान है बेसिकली आप देख सकते हैं। एक प्लान है केवल आपको मान लीजिए ईवीएम में अपियर होना है या केवल आपको बीएफएम में अपियर होना है, उसके लिए कॉस्ट रखा गया है 250। अब आप 250 में क्या क्या मिलेगा, तो 14 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, ठीक है, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। और दोस्तों इसमें पीवाईक्यूज का कंप्लीट कवरेज होगा। मैं ट्राई करूंगा कि पीवाईक्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट में कवर कर पाऊँ, और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और अपना एक पीडीएफ भी दूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन का। तो ये हमारा शेड्यूल है एवीएम और बीएफएम का, या बोथ एवीएम एंड बीएफएम का, ठीक है। यदि आपको दोनों एवीएम बीएफएम दोनों चाहिए तो आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। डिटेल के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी रणनीति होनी चाहिए कि अगले 15 दिन में आप इस तरह से अपने अपने इस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में आपकी जो कि ये जो सीआईबी एग्जामिनेशन है दोस्तों वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट सॉल्व कर पाएंगे सही तरीके से, उतना आपका अच्छा तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ज़रूरत है कि आप उससे पहले से प्रैक्टिस करके जाएँ, और मॉक टेस्ट यही आपको मॉक टेस्ट का यही रोल है कि वो आपको पहले से प्रिपेयर रखेगा, ठीक है। तो सीआईबी के एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दिस मॉक टेस्ट इज डिजाइन सो दैट योर न्यूमेरिकल आस्पेक्ट बिकम क्लियर। तो दोस्तों मैंने रणनीति आपको भी दोनों आदमी को समझा दी। जिन लोगों का सीआईबी का प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, वो एमसीक्यूज दें, पीवाईक्यूज दें, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करें और अपने आपको गेज करें। वो भी जो जो क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे उसके लिए थ्योरी पढ़ें, और जिनका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है वो ट्राई करेंगे अगले 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करने का। इसके लिए आप मेरे मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी प्लान रहेगा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मैं अपना चैनल के बारे में बता दूँ, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप सीआईबी मेड सिंपल करके शेयर कीजिए, सर्च कीजिए, यानी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं आपको डेली वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली डालता हूँ आपको खुद के अटेम्प्ट के लिए, और आप फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो जरूर अपीयर होइए इस पार्टिकुलर चैनल के साथ, जो भी अपडेट्स रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है जिसमें आप इस वीडियो, इसमें आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होपफुली आपको कंसेप्ट, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ये आपको शेड्यूल मिल गया होगा और ये डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे हमारे मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे। मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ,
और यूनिट वाइज में 40 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होंगे। 14th यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, 4th फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। आपका मार्क्स डिटेल आपके मेल पे प्रोवाइड किया जाएगा और करेक्ट रिस्पॉन्स भी आपको मेल पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए ये सभी डिटेल्स हैं दोस्तों, और यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।